Hi everyone, welcome back to my channel Fit Talks, and today we are going to start the diet plan of the day 3. Or agar aap day 1 or 2 ke miss kar chuke hain, then go back to the channel and see the other video. So let's start with the breakfast menu. आज का ब्रेकफास्ट मेन्यू बड़ा डिफरेंट है. मैं आपसे बेसन की रोटी एक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ. यू जस्ट ओनली हैव टू टेक वन अनियन एंड स्लाइस इट, और उसके अंदर आपने ग्राम फ्लोर ऐड करना है, दैट इज़ बेसन, कोई भी आप ले लें. और ये ऑलमोस्ट आप 100 ग्राम ले सकते हैं, या आप टेबल स्पून की बात करें तो उसमें आप 3 to 4 टेबल स्पून ले लें, दैट वुड बी मोर देन इनफ. एंड आफ्टर एडिंग बेसन इन इट, यू जस्ट हैव टू एड रेड चिली, a little bit of haldi, and then salt just to taste. तो इन सब पाउडर इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स करना है. बट इफ़ यू लाइक टू ऐड ज़ीरा, अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद है, देन यू कैन ऐड इन इट एज वेल. ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू मिक्स ऑल ऑफ द ड्राइड इन्ग्रीडियंट्स, एंड देन यू आर जस्ट पोर लिटल वाटर इन इट टू मेक अ स्लरी. सो यू डोंट नीड टू मेक इट लाइक अ डो, मतलब आटे की तरह आपको इसको सख्त नहीं करना है, आपको इसको स्लरी सा बनाना है. That it should be quite flowy material. Just seeing the video. And it should be the consistency of the material कि आपका जो अनियन है वो बेशक उसमें अलग हो जाए, उसको बाइंड नहीं अंदर करना चाहिए. बिकॉज जितना आप इसको थिन बनाएंगे, आपकी जो बेसन की रोटी है वो उतनी ही सॉफ्ट बनेगी. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट वार्मिंग द पैन. और अब पैन पे इसको करना है पोर. हाफ मटेरियल आप इस तरह से पोर करेंगे, और उसको स्पून की बैक साइड से जस्ट लाइट से आपने ब्लेंड करना है. इफ़ यू एवर हैव सीन द मेकिंग ऑफ डोसा, और दिस इज़ एक्चुअली द बेसिक प्रैक्टिस ऑफ डोसा मेकिंग, जिससे आपने लिक्विड ही जो सॉल्यूशन आपने बनाया है बेसन का, उसको आपने तवे पे डालना है और चम्मच की बैक से स्प्रेड करना है, अनलेस एंड अंटिल इट इज़ फुली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो होल्स हैं उसको आप फिल कर दें, अदरवाइज रोटी आपकी वहाँ से खुल जाएगी. सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑन द पैन, एंड यू हैव टू वेट ऑन अ वेरी लो फ्लेम. देन यू हैव टू चेक द एजेस, अगर तो वो आपके सब एजेस आपके पैन से अलग हो रहे हैं ग्रेजुअली. अगर आप एकदम से करेंगे तो डेफिनेटली ये टूट जाएगी रोटी. तो आपको पहले सब किनारे इसके लूज़ करने हैं, एंड देन आफ्टर मेकिंग ए शॉर्ट आउट ऑफ इट, जस्ट फ्लिप इट. इसको फ्लिप करें और लाइट से इसको प्रेस करके हल्की सी आंच पे इसको आपने छोड़ देना है टू कुक. एंड देर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट कि आपकी रोटी गोल होनी चाहिए. इसके किनारे कभी भी स्मूथ नहीं बनेंगे, जस्ट लाइक द अदर टिपिकल रोटी. तो इसकी ये एक परफेक्ट फॉर्म होगी. एंड सी हाउ सॉफ्ट इट इज़, यू कैन जस्ट फोल्ड इट इन एनी वे दैट यू वॉन्ट. अच्छा जी, सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि मैंने बेसन की रोटी को नाश्ते में क्यों लिया है. सो लेट मी जस्ट टेल यू पीपल दैट इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज योर वेट, सो बेसन इज़ द बेस्ट थिंग टू इंक्लूड इन योर डाइट, बिकॉज इट कैन ग्रेटली रिड्यूस द शुगर लेवल्स इन द ब्लड. और जो मेनली जो डायबिटिक पर्सनस हैं को अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लें, तो आप बिलीव यू मी आपके शुगर लेवल्स बहुत नॉर्मल आ जाएंगे. सो टॉकिंग अबाउट द ब्रेकफास्ट, मैंने ये 2 छोटी बेसन की रोटियां बनाई हैं, और आई हैव टेकन जस्ट कप ऑफ टी, वो डेफिनेटली दैट इज़ कंट्रोल, बिकॉज मैं बिल्कुल भी विदाउट शुगर नहीं ले सकती. सो दिस इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ द रोटी एंड द ब्रेकफास्ट, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिलीशियस. और ये आपकी जो टेम्पटेशन है दैट यू हैव टू च्यू समथिंग, एंड द योर ब्रेकफास्ट शुड बी सॉल्टिश एंड स्वीट एज वेल, तो ये इन दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करेगा. एंड कीपिंग इन व्यू द योर ग्लाइकेमिक इंडेक्स, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू टेक इन द ब्रेकफास्ट. टेकिंग अ सिप ऑफ टी विद इट इज वंडरफुल. And don't forget to drink a lot of water while you are on diet, even if in summers or winters. So please, आपने अपना जो hydration level है उसको कम नहीं होने देना. So let's move to lunch time. Our lunch time में I have this wonderful fruit and vegetable salad. मेरे इस डाइट प्लान में जो सबसे स्पेसिफिक बात ये है कि इसमें आपको कोई भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल डेफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं होगी. ठीक है, सो इट इज़ नॉट लाइक दैट टिपिकल थिंग कि यू आर जस्ट स्टार्विंग एंड स्टार्विंग. तो इसमें सब चीज़ें बड़े बैलेंस्ड वे में हैं, एंड देर इज़ नो नीड टू टेक सम एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स, बिकॉज जब आप अपने रॉ वेजिटेबल्स ले रहे हैं एंड यू आर टेकिंग फ्रूट इन अप्रोप्रिएट पोर्शन, यू आर टेकिंग द मिल्क एलमंड्स, तो आप नेचुरली अपने सब सप्लीमेंट्स पूरे कर रहे हैं. सो आई वोंट रिकमेंड एनीवन जस्ट गो टू बाय द फार्मेसीज एंड यू हैव टू जस्ट टेक सम एक्स्ट्रा विटामिंस और मिनरल सप्लीमेंट्स टू कीप योर डाइट हेल्दी.
सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट. आई थिंक आई वुड सजेस्ट इज एज अ सतरंगी सैलड. और इसके अगर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊँ मैंने इसमें क्या डाला है, सो इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ क्यूकम्बर्स एंड देर आर सम ऑफ द टोमेटोज, और एक मैंने इसमें स्मॉल अनियन लिया है. देन आई हैव एडेड पीसेज ऑफ प्लम्स, इसमें लीची है, फालसा है और इसमें बंद गोभी है. सो इट इज़ अ वंडरफुल थिंग एंड आई हैव स्प्रिंकल्ड इट ओनली विद द पिंक हिमालयन साल्ट. एंड यस, हियर इट इज नाउ इट्स अ स्नैक टाइम. अच्छा जी, तो आज की इवनिंग स्नैक में मैंने ये फुली रोस्टेड कॉर्न ली है. इट्स अ कॉर्न ऑन अ कॉब दैट इज़ वंडरफुली रोस्टेड इन लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट. मैंने इस पर मसाला ऐड नहीं करवाया बिकॉज इट कीप्स अ लॉट ऑफ ट्रबल इन द समर्स, सो दिस इज़ अ हेल्दी स्नैक. नाउ इट्स फॉर द डिनर टाइम. आज के डिनर में आपने जो लेना है वो है एक लेंटिल सूप. मतलब कोई भी आप दाल ले सकते हैं. इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आपको जो मैंने शो कराया वो ही लें. आप कोई भी दाल ले लें, उसको आपने 15 मिनट सोक करना है और उसको आपने ज़्यादा पानी डाल के आपने उसको प्रेशर कुकर में कुक होने देना है. और इफ़ यू वांट टू जस्ट मेक इट इन अ ओपन पॉट देन यू कैन श्योरली डू इट. और यू हैव अच्छा, इसमें आपने इसको तड़का नहीं लगाना, ठीक है. कोई भी ऑयल का आपने इसमें ड्रॉप नहीं डालना. यू ओनली हैव टू ऐड सॉल्ट और रेड चिली और इफ़ यू वांट टू ऐड हल्दी इन इट. एंड यू जस्ट हैव टू कंज्यूम अ फुल बाउल ऑफ अ लेंटिल सूप एज योर डिनर. एंड बिलीव यू मी ये आपका स्टमक इतना फुल रखेगा. और इट इज़ अ हाई प्रोटीन डोज एज वेल. और इट विल वंस अगेन यू विल गेट अ बेटर स्लीप विद इट, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई एम गोइंग टू जस्ट क्लोज द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज. एंड येस, डू कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स. वेल, टॉकिंग अबाउट द मैट्स, जिस आप अक्सर मुझे कमेंट्स में आया है, सो आई हैव बॉट इट फ्रॉम द मार्क्स एंड स्पेंसर. एंड एक्चुअली आई हैव अ सेट ऑफ 6 डीज मैट्स. और आई एम जस्ट इन लव विद द रेड टेबल लिनन. और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है. इट इज़ अ हीट एब्जॉर्बेंट एंड डेफिनेटली येस, इट इज़ अ अबव ऑल इनको आप वॉश कर सकते हैं. इट्स अ वेरी नाइस मटीरियल. Keep supporting Fit Talks and keep losing your weight in a healthy way. So that was all from my side. Take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye-bye.